أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعداء من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. जब तक यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके इस बैठने को, जो कुछ आप सुनते हैं उस सुनने को, जो कुछ आप हासिल करते हैं उस सबको नूर के तौर पर कबूल फरमाएं और हमें हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का कुर्ब अता फरमाएं। ज़ादारिया से तो शहादा करबला वालों से قرب اور اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان والوں سے جوڑنے کا بہترین رستہ بھی ہے اور شارٹ کٹ بھی ہے۔ یہ ایسا شارٹ کٹ ہے کربلا کہ انسان چاہے کچھ بھی کر لے، جتنی تیزی کے ساتھ حسین نے علی کے دروازے سے انسان اور خدا تک پہنچ سکتا ہے، کسی اور دروازے سے اس تیزی کے ساتھ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسین ابن علی کو اپنی تمام تر رحمتوں کا باب قرار دیا ہے۔ دروازہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو چاہے کچھ بھی کر لو ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حسین ابن علی، لیکن حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اتنی بڑی ہے کہ اس قربانی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمتوں کے دروازے اس پورے عالم پر کھول دیے ہیں، اس پورے عالم۔ اس لیے انسان تو انسان، غیر انسان بھی اگر چاہے تو اس کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی اس کا رزق ہے، جو بھی اس کی روزی ہے، اس تک پہنچنے کا مختصر ترین، جامع ترین اور آسان ترین رستہ حسین ابن علی ہے۔ ہمارے استاد تھے، آج سے کوئی تقریباً 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً 40 سال پہلے، 36 سال پہلے انہوں نے
उस वक्त मुझे ये वाकया सुनाया था तो मेरे जहन में वो नक्श हो गया इस हवाले से कि हुसैन अली का दरवाजा कितना वसी, कितना लोगों के लिए अट्रैक्टिव और अल्लाह की निगाह में कितना अहम है। कह रहे कि बसरा से एक काफिला चल रहा था करबला के लिए, बसरा एक मसीही बहुत बड़ा सरमायादार था, उस साल वहां पर कोई कारोबारी ऐसी ऊंच नीच हुई जिसकी वजह से उसका सारा सरमाया डूब गया, कर्जों की और फाकों की लोग बता दी, अब शहर के लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। तो हमारे उस्ताद बता रहे थे, जाने वाले थे, मैं उस हवाले से कह रहा हूँ, कहने लगे कि अब उसका उस शहर में रुकना महाल हो गया था, ऐसी सुविधा में वो शहर से निकला कि मैं किसी और शहर चला जाता हूँ, वहां पर जाकर कुछ ना कुछ कर लूंगा। शहर से जैसे ही बात आया तो देखा काफिला तैयार है कूच के लिए और उनकी मंजिल कर रहा है, खुद ये मसीही था। तो काफिले के सवार के पास गया, कहा कि सुना है आप जा रहे हैं बसरा से करबला की तरफ, कहा हाँ, कहा कि मैं अकेला हूँ मुझे भी लेके चले, कहा कि आपकी तारीफ आप बताओ, मैं तो तारीफ करूँगा, कहा कि हम तो मुसलमान हैं भाई, हम तो जा रहे हैं इमाम हुसैन की बारगाह में, कहा कि मुझे भी लेके चले, मैं आपके काफिले में शरीक होऊंगा, आपके जायरीन की खिदमत करूँगा, क्योंकि इस शहर में मेरा रहना महाल हो गया। कहा ठीक साहब चले, रस्ते में उन्हीं जायरीन की खिदमत करते रहे, उनका जो भी काम था वो अपनी बसात के मुताबिक अंजाम देते रहे, यहाँ तक कि करबला पहुंच। जो लोग 1990 से पहले करबला गए हैं उनको मालूम है कि बाबुल किबला के सामने ग्राउंड सा होता था और वीराना था उसको, तो कहते हैं काफिला जाके बाबुल किबला में बाहर उस शहर में वहां पर उसने पड़ाव डाला। अब इतने लंबे सफर के बाद थका हुआ है और थकन से चूर है, ऐसी के लिए ख्वाहिश थी कि हर एक अंदर जाए और बारगाह है हुसैनी में सलाम पेश करे। अब सब जाना चाह रहे थे, यहां पर सामान की हिफाजत के लिए कोई नहीं, तो उन्होंने सोचा इसी नसरानी से जो मसीही है इससे हम कहते हैं यही रुक जाए, आए कहा कि भाई तुमने तौर पर जाके कुछ करना नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर रुक जाओ, सामान की हिफाजत करो, हम ज्यादा करके वापस आते हैं, फिर कहीं पर जाके बाकायदा पड़ाव डालकर और फिर खाने पीने और बाकी चीजों का इंतजाम कर लेते हैं। रुका लेकिन ये भी थका हुआ था, बाकी सारे लोग घर में चले गए, ये सामान के साथ रुका, रुक कर कुछ देर बैठा हुआ था, ऊंट आ गई सो। हमारे उस्ताद बता रहे थे कि उसने उस नींद के आलम में देखा कि एक गुनगुना सा बर्पा हुआ और आवाज आई मौला हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। कहता है अब मेरे भी चूंकि एक बड़ी अनहोनी सी चीज थी इसलिए मैं भी अब अलर्ट हो गया, तो मैंने देखा हरम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलमदार दोनों बाहर तशरीफ लाए। बाहर आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास से फरमाया कि अब्बास हमारे जायरीन की लिस्ट लेकर आओ। लिस्ट आई, आपने सारे लिस्ट में मौजूद नाम गिनवा दिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनते रहे। जब मुकम्मल हुई लिस्ट, फरमाया क्या तुमने सबको गिन लिया, कहा दोबारा देखो, दोबारा देखा, कहा कि मौला सबको मैंने गिन लिया, कहा नहीं कोई रह गया है, कहा नहीं कोई नहीं, कहा सबको गिन लिया। जब तीन दफा ये बात हुई तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और कहा कि ये जो सामान के साथ बंदा बैठा हुआ है ये करबला आया है और हमारा मेहमान है, इसको तुमने लिस्ट में क्यों नहीं लिखा। अब ये मसीही, ये मसीही को सुन रहा है। जब मौला हुसैन ने कहा कि इसका भी नाम लिखो ताकि निजात पाने वालों में ये भी शामिल हो जाए, तो कहता है उस कैफियत में मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो
तो मैंने महसूस किया कि अल्लाह ने मुझे बसरा से उठाकर हुसैन इब्ने अली के दर पर डाला ही इसीलिए है कि मैं निजात पा सकूं। कहने का मतलब यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पर कोई भी आए शर्त यह है कि उसके अंदर थोड़ी सी नूरानियत मौजूद हो, चिंगारी मौजूद। अगर चिंगारी मौजूद हो तो इंसान निजात की उस बॉर्डर और साहिल तक पहुंच जाता है। अगर चिंगारी मौजूद ना हो तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूं कि जब आप मैग्नेटिस को लोहे से जोड़ते हैं तो लोहे को मैग्नेटिस पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? लोहे में इस मैग्नेटिस से जुड़ने की सलाहियत होती है। लेकिन अगर उसी लोहे की जगह आप कोई और धात रख दें वो जुड़ेगी नहीं, वो चिपकेगी नहीं। लकड़ी रख दें नहीं चिपकेगी, प्लास्टिक रख दें नहीं चिपकेगी, पत्थर रख दें नहीं चिपकेगी, लोहा ही चिपकेगा। क्यों? इसलिए कि लोहे और इस मैग्नेटिस के दरमियान कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुश्तरक हैं, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। ये जो खींचने वाली कुव्वत है यही वो चीज है जो दूर बैठे दो लोगों को आपस में जोड़ दिया है। आप कहीं पर भी चले जाए, आपस में बैठे हुए हो, जहाज में बैठे हुए हो, यहां से बस करें आप कोयटा जा रहे हो, यहां से कराची जा रहे हो, यहां से बाहर जा रहे हो, अगर आपकी साथ वाली सीट पर कोई शख्स बैठा हो उसके नाम के साथ अली लिखा हुआ हो, उसके नाम के साथ हुसैन लिखा हुआ हो, उसके नाम के साथ कासिम लिखा हुआ हो, तो पहला जो आपका तासर बनता है वो ये है कि पर्दे की एक दीवार हट गई और आप उसके और वो आपके करीब तक आ गए, सिर्फ नाम की वजह से। और जैसे ही तारुफ होता है और आपको एहसास होता है कि ये भी मेरी तरह अली का नबी के बाद कलमा पढ़ने वाला और अली की विलायत को मानने वाला है, तो सिर्फ इतना जान लेना काफी होता है कि आपके अंदर उसके लिए एक ऐसी मोहब्बत पैदा होती है जो किसी और के लिए नहीं होती। ये कौन सी शिकायत है? ये कौन सी कशिश है? अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की कशिश। ये जो अहलुल बैत की मोहब्बत है ये मोहब्बत जोड़ती है, ये मोहब्बत तोड़ने से रोकती है, ये मोहब्बत एक दूसरे का साथ देने पर मजबूर करती है। क्यों? इसीलिए ये पाकीज़ा मोहब्बत है। पाकीज़ा मोहब्बत की ये खुसूसियत है। जो मादी मोहब्बतें होती हैं वो मोहब्बतें तोड़ती हैं, जो मानवी मोहब्बत होती है चूंकि पाकीज़ा और नूरानी होती है इसलिए वो मोहब्बत जोड़ती है। पैसे की भी मोहब्बत होती है, जमीन की भी मोहब्बत होती है, जिनसे मुखालिफ की भी मोहब्बत होती है, शोहरत की भी मोहब्बत होती है, सीट की भी मोहब्बत होती है, ओहदे की भी मोहब्बत होती है, लेकिन ये सारी मोहब्बतें तोड़ती हैं जोड़ती नहीं है। इसलिए एक सीट हो, दो बंदे हो, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाकर जाकर बैठना चाहते हैं, लेकिन जहां पर आपको कोई शख्स किसी मजलिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज्यादा रोता हुआ नजर आए तो आपके दिल में उसके लिए हसद कभी भी पैदा नहीं होता, एक रश की और उसके लिए मोहब्बत की कैफियत पैदा होती है। क्यों ऐसा है? ये मानवीय मोहब्बत है, पाकीज़ा मोहब्बत है, और उस पाकीज़ा मोहब्बत की बुनियाद वो हस्तियां हैं जो खुद पाकीज़ा है। जो चीज खुद पाकीज़ा ना हो उसकी मोहब्बत पाकीज़गी लेकर नहीं आती, जो चीज खुद पाकीज़ा हो उसकी मोहब्बत पाकीज़गी लेकर आती है। इसलिए आप कुरान पढ़ने वाले से मोहब्बत करते हैं अगर जो खुद न भी पढ़ते हो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले को आप देखें आपको खुशी होती है अगर जो आप खुद अल्लाह से दूर हो, अगर नमाज ज्यादा पढ़ने वाले को देखें तो आपको वो अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद है।
अगर आप खुद उस तरह से बहुत ज्यादा नमाजें न पढ़ते हो लेकिन आपको उससे मोहब्बत पैदा होती है, खिंचाव पैदा नहीं होता, रकाबत पैदा नहीं होती। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा नजर आए जो हुसैन का ज्यादा जान निसार हो तो आप उस पर अपनी जान निशावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि वो महबूब पाकीज़गी और नूरानियत का मुरक्का है, इसलिए उसकी मोहब्बत आपके अंदर भी पाकीज़गी लेकर आती है। अज़ादारी सैयदुल शुहदा वो पाकीज़गी लेकर आती है। इसलिए मैं आपसे एक अब यहां पर ब्रैकेट्स में एक बात कर, जो लोग मिंबर की वजह से आपस में लड़ते हैं वो हुसैनी नहीं है, यजीदी है। क्यों? हुसैन तो लड़ा ही नहीं सकते, तो मिंबर लड़ाने के लिए तो नहीं है, मिंबर तो जोड़ने के लिए है। अगर लड़ा रहा है मिंबर तो इसका मतलब है ये मिंबर हुसैन नहीं है, मिंबर यजीद है, क्योंकि इसमें वो पाकीयत नहीं आए। अगर यही बातों का इंतहाई अफसोस के साथ ऐसे मनाजर नजर आते हैं कि स्टेज में इतने मुकर्रर मौजूद हैं, एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं कि भाई पहले मैंने पढ़ना है, पहले मैंने पढ़ना है। इंसानी तकरीम, इंसानी इज्जत, इंसानी वकार, इमाम हुसैन का एहतराम, आजादारी का एहतराम, सब कुछ एक तरफ रखकर गलाजते पकने लगते हैं। क्यों? इसी के अंदर शैतान है, इमाम हुसैन नहीं है। वो जो स्टेज सजा है वो स्टेज तो है लेकिन मिंबरे हुसैन नहीं है। अगर मिंबर हुसैन हो तो गिलासत कैसे आए वहां पर? मिंबर हुसैन हो तो फिर रकाबत कैसे आए? मिंबर हुसैन हो तो फिर हसद कैसे पैदा हो? उसी तरह से इमामत मस्जिद की हो, अगर दो मौलवी एक दूसरे से लड़ रहे हो कि मैंने करवा लिया, इसका मतलब है समझ लो अगर दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों इबलीस हैं, रहमान के नुमाइंदे नहीं, रहमान के नुमाइंदे, रहमान के नुमाइंदे आपस में नहीं लड़ सकते। हुसैन इब्ने अली की तरबीज करने वाले आपस में नहीं लड़ सकते। अगर आपको ज़ियारत की तौफीक मिले और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हरम में पहुंच जाए, सरी के पास पहुंच जाए, कोई शख्स सरी से चिमट कर सालों कतार रो रहा हो तो आपका जी क्या चाहेगा? उस तरह से रोए, लेकिन उसको वहां से हटाकर धक्का देकर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि वो इमाम हुसैन का मेहमान है और आपके दिल में हुसैन इब्ने अली की वजह से उसके लिए भी नरमी, मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का जज्बा पैदा होगा। कोई शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत कर रहा हो तो वो आपको बुरा नहीं लग सकता। अगर बुरा लगता है तो इसका मतलब है या वो इबलीस है या आप इबलीस हैं या दोनों इबलीस हैं। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि दो नजासतें मिलकर पाक हो जाएं, मुमकिन नहीं है। ये भी नहीं हो सकता कि एक नजासत हो और एक पाकियत हो, टकरा जाए और पाक पाक ही रहे, मुमकिन नहीं है। दो पाकीज़गियां अगर आपस में आकर मिल जाए तो वो पाक ही रहेंगी। जहां पर पाकी होगी वहां पर हसद नहीं होगा, जहां पर पाकी होगी लड़ाई नहीं होगी, जहां पर पाकी होगी दुश्मनी नहीं होगी, वहां पर रकाबत नहीं होगी, रश होगा, एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होगी, इज्जत, तौकीर, एहतराम और एक दूसरे की मदद और तआवुन का जज्बा आपको नजर आएगा। इसलिए ये जो मेंबर है, मस्जिदों की कमेटियां हैं, अंजुमन है, ट्रस्ट है, बानियान है, जाकिरी का शोबा है, खिताबत का शोबा है, ये सारे का सारा किस वजह से मोहतरम है? किस वजह से? इमाम हुसैन की वजह से। ऐसा ही है, अगर इमाम हुसैन का ना हो तो उस स्टेज में और वो जो ड्रामों का स्टेज है उसमें क्या फर्क है जब इमाम हुसैन का ना हो? तो फिर कोई फर्क नहीं है, एंटरटेनमेंट है ये भी और वो भी, लेकिन अगर इमाम हुसैन का हो तो फिर ये मुकद्दस है, वो ना जा सकता है। जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का स्टेज, मिंबर और प्लेटफॉर्म हो वहां पर कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता, उर्दू पर झगड़ा नहीं होगा, इख्तलाफ राय मुमकिन है।
एक की राय ये हो ऐसे करना चाहिए, दूसरे की राय ये हो कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन झगड़ा कभी भी नहीं होगा और एक दूसरे के लिए नफरत कभी भी नहीं होगी, एक दूसरे को गिराने की कोशिश कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ये जो कोशिश है ये इब्लीस की है, ये शैतानी है। इसके नतीजे में दीन भी जाता है और आखिरत भी, दुनिया तो गई दीन भी गया आखिरत भी। इसलिए याद रखे जहां पर भी दीन का मामला है, भगवान बड़ा की बात होती है कि असादारी में ऐसी रुकावटें अंजाम पाती हैं, ऐसी रुकावटें ऐसी दौड़ लग जाती है कि ये ग्रुप उस ग्रुप को निकालना चाहता है, वो ग्रुप इस ग्रुप को निकालना चाहता है। ये इमाम हुसैन की आजादी है नहीं, किसकी है? आपके नफ्स की, आपकी ख्वाहिशात की आजादी है, इमाम हुसैन की नहीं है। आपका ये जो रोना है अपनी ख्वाहिशात पर आए, अपनी ख्वाहिशात का रोना है, इमाम हुसैन का नहीं आए। इमाम हुसैन पर रोने वाली आंखों से बहने वाला अश्क इंसान को नजासतों से निकाल कर मेराज इंसानियत तक पहुंचाता है, उस अश्क में हयात है, जिंदगी है, ताकत है। इसलिए चाहे आजादारी की मजालिस के इनकार का मसला हो, चाहे तबरुका और नियाजों के बनाने बांटने खिलाने का मसला हो, चाहे मेंबर सजाने का मसला हो, चाहे इमाम बारगाह या मस्जिद बनाने का मसला हो, चाहे पढ़ने और सुनाने का मसला हो, इन तमाम चीजों में अगर हुसैन इब्ने अली है तो फिर मोहब्बत है, फिर खिदमत है, फिर प्यार है, फिर नूरानियत है, वरना अगर हुसैन इब्ने अली नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ तारीकी है और जुल्मत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अटैचमेंट और वाबस्तगी इंसान को मुतासर करती है, मुतासर। आप किसी घर में जब जाते हैं, शादी हो रही हो तो उस शादी के घर में आपकी अपनी क्या कैफियत बनती है, और अगर उसी की जगह कोई मातम का घर हो, कोई बंदा फोर हो गया हो, बात पा गया हो, वहां पर जाकर आपकी क्या कैफियत बनती है, यानी अटैचमेंट के ये असरात होते हैं, ये असरात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अटैच होने और वाबस्ता होने का असर सबसे पहले इंसान के रूप पर होता है, सबसे पहले। इसलिए हमें कहा गया है चाहे तुम कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, इमाम हुसैन से जुड़ जाओ, पाकियत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दरवाजा ये रहमत हुसैन इब्ने अली है। इमाम हुसैन से जुड़ जाओ, तुम्हारे अंदर जिंदगी की हरारत शुरू हो जाएगी। ये हम आमतौर पर सुनते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में आखिरी मौके पर एक आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरनी। क्या मतलब है इस आवाज का? कोई है जो मेरी मदद करे। मुझे ये बताएं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी की मदद की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? इमाम हुसैन को अपनी जान बचानी थी, सारे जानसा तो शहीद हो चुके। तो फिर इस नारे का, इस शुआर का मतलब क्या है? क्यों कभी मशरिक कभी मगरिब कभी शुमाल कभी जुनूब की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज से पुकारते थे, हल मिन नासिरिन यंसुरनी, क्या कोई है जो मैं हुसैन की मदद करे? असल में हुसैन अपनी मदद के लिए आवाज नहीं दे रहे थे, बल्कि आवाज दे रहे थे कि मुझसे जुड़कर खुद जिंदा हो जाओ, क्योंकि मुझसे कटने के बाद तुम चलती फिरती लाशें हो, अगर तुम जिंदा होना चाहते हो तो मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे जुड़ोगे तो तुम्हारे अंदर जिंदगी की हरारत पैदा होगी। इसलिए आप देखिए कुरान करीम में भी, कुरान करीम में मंजल लजी युक्रिजुल्लाह कर्जन हसनन, तुम्हें से कौन है जो अल्लाह को कर्जा दे, कर्जे हसना दे? कौन कहता है? कौन? अल्लाह। अल्लाह को मेरे और आपके कर्जे की जरूरत है नहीं, क्यों कह रहा? कौन है तुम में से जो मुझे कर्जा दे? मंजल तफी युक्रिजुल्लाह कर्जन हसनन, कौन है? क्यों ऐसा है? आप अपने तीन चार पांच साल के बच्चे को जब सिखा रहे होते हैं, तरबियत दे रहे होते हैं, तो उसकी जेब में पैसा भरते हैं, उसके बाद कहते हैं बेटा थोड़े से पैसे मुझे भी दो,
जब आप उसे मांग रहे होते हैं तो आप उसकी तरबियत कर रहे होते हैं कि वो पैसे से अपनी वाबस्तगी और अटैचमेंट को कमजोर करे, आपसे अपनी वाबस्तगी को मजबूत करे। आपकी मोहब्बत उसके पैसे से मोहब्बत पर गालिब आए, नतीजतन पैसा उसकी निगाह में बेकीमत हो जाए और आपकी मोहब्बत उसकी निगाह में कीमती बन जाए। आप एक बशर की हैसियत से, अल्लाह के एक बंदे की हैसियत से जब आप अपने बच्चे की तरबियत करते हैं तो इस रविश पर करते हैं। अल्लाह भी जब हमारी तरबियत करता है तो हमें कहता है कि जो कुछ दिया हुआ है वो तो मेरा है, तुम तो अपनी मर्जी से पलक भी नहीं झपक सकते, तुम्हारी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, तुम्हारी मर्जी से दिल की धड़कन को जारी नहीं रख सकते, तुम्हारी मर्जी से कदम नहीं उठा सकते। लेकिन मैं तुम्हारी तरबियत चाहता हूं कि तुम इस दुनिया में जिन जंजीरों में जकड़े हुए हो वहां से निकलो और मेरे साये में आ जाओ। अगर तुम मेरे साये में आ गए तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा और मैं जिसका हो गया वो फिर सब चीजों का मालिक है। आप इमाम हुसैन से आपको सुनाऊंगा और जुमला तो पढ़ा होगा और सुना होगा यकीन, बड़ा मारूफ और बहुत ही पुर असर जुमला है। मा वजदा मन फकदक वमा फकदा मन वजदक, मेरे रब जिसने तुझे पा लिया उसने फिर क्या खोया। तुझे पाने के बाद तो सारी आलम हस्ती इंसान के हाथ में, लेकिन अगर तुझे किसी ने खो दिया तो फिर उसके पास सारी दुनिया की दौलत हो, नवाज शरीफ की सारी दौलत भी आ जाए, जरदारी की दौलत भी आ जाए, बाकियों की दौलतें भी आ जाए, उसके बावजूद वो सबसे बड़ा फकीर है इसलिए उसने तुझे खोया है। मा वजदक मन फकदक वमा फकदक मन वजदक, इसलिए जैसे कुरान की रविश है मन जल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन, वही रविश हुसैन इब्ने अली की करबला में है कि कोई है जो मेरी मदद करे, मेरी नहीं अपनी मदद करे, मेरा हाथ थामे, गदाज़तों से निकले, मेराज इंसानियत तक पहुंचे और हुसैन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए। इसलिए हुसैन ने अली की याद शुऊर में इजाफा कर दिया है, अकल में इजाफा कर दिया है। अगर ये शुऊर में इजाफा न कर सके तो फिर ये याद नहीं है। पानी अगर इंसान के बदन की नजासत को दूर न कर सके तो वो फिर किसी का पानी है। आबे ताहिर की शराइत में से एक क्या है कि वो खुद नजस ना हो, पाक हो। वो पाक है तो फिर हमें पाक कर सकते। अगर जिक्र हुसैन है तो फिर हमें पाक करेगा यह जिक्र, लेकिन अगर जिक्र हुसैन नहीं है, उसमें मिलावट है, आमजिश है, बाकी चीजें उसमें मिक्स है, तो फिर हमारी नसीब। इसलिए जिक्र हुसैन और याद हुसैन के जो असरात हैं उन असरात की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। परसों रात मैं ज़ियारत आशुरा के हवाले से कुछ जुमले आपसे अर्ज किए थे और अर्ज किया था कि ज़ियारत आशुरा जो कि हुसैन इब्ने अली से अपनी बेइत्त के इजहार और हुसैन से वाबस्तगी का ऐलान है, वो सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है बल्कि एक अहद है, अहद एक वादा है। हुसैन इब्ने अली से एक कमिटमेंट है कि ए हुसैन मैं आपके हाथों पर हाथ रखकर आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं ऐसा बनूंगा और अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि खुदाया मैंने हुसैन का दामन थामा है, अब मुझे वो मकाम अता कर जिसका तसव्वुर तूने रसूल के जरिए अइमे अतहार के जरिए से इस ज़ियारत में मुझे अता किया है कि ये ज़ियारत क्या चाहती है और मुझे किस मकाम तक पहुंचाना चाहती है। सल्लल्लाहु
जरा ऊंची आवाज से सफात भेजिए दोबारा बार मोहम्मद वाले मोहम्मद मैंने तीन गालिबन मकामात आपके सामने बयान किए थे उस रात। एक मकाम था मकाम इंतकाम के इंसान अपने रब से ये दुआ करता है इस ज़ियारत आशूरा में उन जुमलों के जरिए से कि खुदाया मुझे अय्यरज़ुकनी तलब फारिक मा इमाम मंसूर, इमाम मंसूर के साथ खड़े होकर मुझे मुंतकिम खून हुसैन बना दे। छोटा दर्जा तो नहीं आया, छोटा दर्जा तो दूसरा जो हमारा मुतालबा होता है या दर्जा है मकाम है जिस मकाम पर मैं फाइल होने की दुआ करता हूँ अपने रब से ज़ियारत आशूरा में, वो मकाम मईयत है कि वो मकाम जहाँ पर मैं अपने मासूम इमाम के साथ खड़ा होकर उसी फजा में सांस लूं जिस फजा में मेरा इमाम सांस लेता है। मैं क्या दुआ करता हूँ दुनिया वल आखिरा, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी दोनों जगह मुझे वो मकाम मईयत अता कर, अल्लाह मुझे वो मकाम अता करे। और तीसरा मकाम जिसका तस्किरा हुआ था मकाम वजाहत है, मकाम वजाहत जो हम दुआए तवस्सुल में पढ़ते हैं या वजीहन इंदल्लाह इंदल्ला का क्या मतलब है, आपके चेहरे नूरानी है, आपकी आबरू है, आपकी इज्जत है, आपकी तौहीर है, आपका एहतराम है, आपकी जबान से कोई निकला हुआ लफ्ज अल्लाह रद्द नहीं करता क्योंकि आप साहिब मकाम वजाहत हैं अल्लाह की बारगाह में, इसलिए आप मेरी उस दुनिया में अल्लाह की बारगाह में शफाअत फरमाइए या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। ये हम ज़ियारत दुआए तवस्सुल में हमेशा ये पढ़ते हैं। तो ज़ियारत आशूरा में क्या पढ़ते हैं, ज़ियारत आशूरा में हम पढ़ते हैं कि اللهم اجعلني وجيها عندك يا اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين। जिस तरह की वजाहत का मकाम तूने हुसैन इब्न अली को अता किया है मुझे भी वजाहत का ऐसा मकाम अता करके मैं हुसैन के साथ खड़ा हो सकूं और दूसरों की शफाअत की अहलियत पैदा कर सकूं। मेरे शायद उस रात शोहदा के हवाले से कुछ बातें आपसे हंस के लिए जो मुझे याद पड़ता है, कुछ चीज़ें शायद भूल गए हो तो मैं उसकी तकरार नहीं करता, लेकिन सिर्फ याद दहानी के लिए कि ज़ियारत आशूरा इंसान को उस मकाम तक पहुंचने की राह दिखाने का जरिया है। यानी सिर्फ अल्फाज नहीं आए, अय्यजअलनी मअकुम फिद्दुनिया वफिल आखिरा, इस दुनिया में इमाम मासूम की मईयत की दुआ करते हैं। यह खुद एक मकाम है, मकाम है मईयत। इस वक्त तो इमाम मेरे सामने नहीं है, जो शहदा है आइमा में वो तो अपनी अपनी कब्रों में आसूदगी ख्वाब और आराम फरमा रहे हैं, उनका जिस्म मेरे पास नहीं है, मैं उनके जिस्म से तबस्सुल और करीब नहीं जा सकता, तो मेरी इस मईयत का क्या मतलब है, हमें सोचना चाहिए मईयत का क्या मतलब है। मईयत बाकी जो जितने भी जुमले हैं ज़ियारत आशूरा के उन जुमलों में आप गौर करें, हर जुमला दूसरे की तफसीर करता है, हर जुमला बताता है कि इससे इस मकाम और इस मर्तबे से मुराद क्या है। एक मकाम खुद ज़ियारत आशूरा में यह है कि आप अल्लाह से दुआ करते हैं खुदाया मुझे मेरे इमाम वाली हयात अता कर और मुझे मेरे इमाम वाली मौत अता कर, हयात हुसैनी और ममात हुसैनी। आप अगर ईद फितर और ईद कुर्बान में जो आप नमाज पढ़ते हैं उस नमाज में जो आप दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अहलल किब्रियाई वल अज़मा व अहलल जूद वल जबरूत,
अगर उसके तसलसल में आखिर तक जाए तो आपको वहां पर भी कुछ ऐसी ही दुआएं नजर आती हैं। अल्लाह हर मौके पर इंसान से चाहता है कि शुहूरी तौर पर ईद का दिन हो या आशूर का, तवज्जो दे, खुशी का दिन हो या गम का, मौत का दिन हो या एक नई पैदाइश और तुलू का, दोनों में इंसान और मुमिन इंसान की ख्वाहिश और उसकी दुआ यही होनी चाहिए कि हयात मोहम्मद भी मुझे मिले और ममात मोहम्मद भी मुझे मिले, हयात आले मोहम्मद भी मुझे मिले और ममात आले मोहम्मद भी मुझे मिले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद फिर जरा ऊंची आवाज से सलवात भेजिए। इसलिए ज़ियारत आशूरा में आप क्या पढ़ते हैं, एक मकाम जो आप तलब करते हैं, एक नुक्ता, एक मर्तबा, एक मकाम, एक दर्जा, वो क्या है, अल्लाहुम्मा जअलनी महयाया महया मुहम्मद व आल मुहम्मद व ममाती ममात मुहम्मद व आल मुहम्मद, खुदाया मुझे वो हयात अता कर जो तूने मुहम्मद व आल मुहम्मद को अता किया है उस दर्जे पर, और मुझे मौत भी वैसी अता कर जैसे तूने उनको अता किया है। मुझे बताए करबला वालों को जो मौत मिली है वो आजादी के ऊपर मिली है, जो जिंदगी उन्होंने इख्तियार की क्या वो हादसाती तौर पर इख्तियार किया, अचानक धमाका हुआ और उनको वो जिंदगी मिल गई, या अचानक कोई ऐसा तूफान आया और उनको उस तरह की मौत और उस तरह की शहादत मिल गई, नहीं, वो हयात भी शुहूरी है और ये ममात भी शुहूरी है। शुहूर और इरादे के साथ उन्होंने ऐसी जिंदगी चुनी जो इतनी आला थी, और उस शुहूर और इरादे के साथ इंतखाब हयात का नतीजा ऐसी ममात है जो इस तरह से हुसैन इब्न अली को मिली है और उनके असहाब को मिली है। हुसैन इब्न अली ने जो कदम उठाया है वो कदम कैसा है, चाहे तादाद कम ही क्यों ना हो लेकिन हक की हिमायत के लिए जबान खोलना, हक के दिफा के लिए मैदान में निकलना, तादाद की कमी और तादाद की ज्यादती मेयार न बने, जो मैं कर सकता हूं वो जरूर करूं, जहां कोई बेहुर्मती हो, जहां कोई जुल्म हो, जहां ज्यादती हो, जहां शरीयत की पामाली हो, जहां अल्लाह के दस्तूर को तोड़ा जाए, जहां कुरान के अहकाम की हुर्मतों को पामाल किया जाए, वहां पर मैं अगर हाथ उठा सकता हूं तो हाथ उठाऊं, जबान खोल सकता हूं तो जबान खोलूं, अगर कोई और ऐसा काम कर सकता हूं जिससे उस जुल्म नाजायजगी और अल्लाह के दीन की मुखालफत करने वालों के रस्ते में कांटा बन सकूं तो मैं जरूर करूं, तब हयात मोहम्मद व आले मोहम्मद भी नसीब होगी और ममात मोहम्मद व आले मोहम्मद भी नसीब होगी। घर बैठकर दुआओं से तो नहीं होगी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। ज़रा इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इर्द गिर्द जिस तरह का माहौल देखा था, उस माहौल में वो कौन सी बुनियादी चीज थी जिसने हुसैन इब्ने अली को मदीना से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया, दीन की बुनियादों पर हमला, दीन की बुनियादों पर हमला, और बज़ाहिर कौन लोग थे, मुसलमान काफिर थे, आज के दौर में भी तो इस तरह के लोग थे, आज के दौर में भी तो ऐसे वाकयात हुए। अगर आप माजी के इन 30-35 सालों में देखें तो इन 30-35 सालों में आपको इसी आपके अपने माशरे के अंदर, चूंकि इस वक्त बात हो रही है हयात मोहम्मद व आले मोहम्मद और ममात मोहम्मद व आले मोहम्मद की, तो अब एक मौजू ऐसा छिड़ गया है जिसके कुछ पहलुओं पर बात करना जरूरी है, इसके फिर मैं वो नुकात छोड़ देता हूं, उन पहलुओं पर जरा आ जाए। एक दफा सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
टाइम देख रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया। तो अब अगर मैं बहस छेड़ देता हूँ तो फिर जो है ये खुद कम से कम एक घंटे की गुफ्तगू हुआ है, ताकि मतलब आप तक पहुंच जाए और आप उसको जज्ब कर सकें। लेकिन मैं सिर्फ इशारा कर गुजर जाऊँ। मुझे ये बताइए कि गुज़श्ता 30-35 सालों में पूरी दुनिया के अंदर जो तहर्रुक पैदा हुआ उसका सबसे बड़ा निशाना कौन था? कौन था? मकतबे तौहीद। शिया न कहें, शिया न कहें, मकतबे तौहीद। ये मकतबे तौहीद सिर्फ दावों से वजूद में नहीं आता कि मैं बहुत बड़ा मुवाहिद हूं, मेरे अलावा सब मुशरिक हैं, दावों से वजूद में नहीं आता। तौहीद के अलमबरदार के हाथ में तौहीद का परचम भी होना जरूरी है, और जब तौहीद के अलमबरदार के हाथ में तौहीद का परचम होगा तो वो तमाम शिर्क की कुव्वतों के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। दुनिया में दो तरह की तहरीकें थी, एक तौहीद की वो तहरीक थी जो शिर्क ही की खिदमत के लिए वजूद में आई और जिसके मज़ाहिर हमने देखे कि आइम्मा के क़ुबूर की पामाली, अंबिया के आसार की पामाली, अल्लाह के दीन के उन मुकद्दस तरीन आसार की पामाली तौहीद के नाम पर और शिर्क के उनवान से। ये वो शैतानी उनवान है जिसको तौहीद का लिबादा पहनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ तौहीद का एक परचम ऐसा भी था जो एक ऐसे मर्द कलंदर ने उठाया कि उसके हाथ में इस परचम के आने के बाद दुनिया की मशरिक और मगरिब की तमाम कुव्वतें, तमाम की तमाम वो ताकतें मिल गई, मुत्तहिद हुई एक शख्स और एक आवाज के खिलाफ कि इसको हमने ये परचम उठाने नहीं देना। पूरी दुनिया वो जो आपस की उनकी दुश्मनी थी खत्म हो गई। पाकिस्तान में उसका एक छोटा सा आपने मुजाहरा देखा ना, मादी हवाले से, मैं मानवी बात नहीं कर रहा, मादी हवाले से जब मुख्तलिफ पार्टियों के मुकाबले में एक शख्स खड़ा हुआ तो बाकी सब ने उसके खिलाफ मुत्तहिद होकर एक सिलसिला शुरू कर दिया। बातों का ऐसा हो, ये आपकी सियासत है, उस सियासत से गरज नहीं आए। लेकिन जो मानवी हवाले से आपने गुज़श्ता इन 50 सालों में देखा, एक जमीन के खित्ते में एक आवाज उठी और वो आवाज एक मर्द कलंदर की थी जिसके घर में बोरिया था, जिसके पास कोई फौज नहीं थी, जिसके पास कोई पैसा नहीं था, जिसकी लब पर कुरान की आयात थी, जिसके दिल में करबला का दर्द था, जिसका मकसद हुसैन इब्ने अली के आशूरा के पैगाम को हर इंसान तक पहुंचाना था। जब उस मर्द कलंदर ने तौहीद का ये परचम बुलंद किया तो आपने देखा अमेरिका भी, रूस भी, फ्रांस भी, मगरबी तमाम ताकतें भी, फिर उनके साये में पलने वाले मुसलमान नुमा तमाम वो सलातीन और हुक्मरान भी सब मिल गए कि हमारे इस मुश्तरका निजाम को एक मजहबी चेहरे ने जब चैलेंज किया है तो हम इसको सांस नहीं लेने देंगे। हर तरह की मुश्किलात पेश आई, लेकिन उसके बावजूद जब अल्लाह किसी का परचम बुलंद करे तो सारी दुनिया मिलकर उसको सरनगुन नहीं कर सकती। और यही हुआ 40 सालों में, इन 40-45 सालों में। आज देखें उस मर्द कलंदर का उठाया हुआ परचम आज पूरी दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा परचम है, इस्लाम का सबसे ऊंचा परचम। इसलिए दुनिया में कहीं पर अगर कोई बात होती है तो तमाम कुव्वतें मिलकर जिस परचम को सरनगुं करने के लिए जर जन जोर तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं, मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, जंगी कवानी को इस्तेमाल करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल करते हैं, मईशत को इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग के निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं, सरमायादाराना निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं, हर वसीले को इस्तेमाल करते हैं ताकि उस परचम को गिरा सकें। उन तमाम कोशिशों के बावजूद इस 40-45 साल के अरसे में वो परचम हर साल बुलंद से बुलंदतर, और उस परचम के जेरे साया मिलने वाली कौम हर साल पहले से ज्यादा मजबूत तर होकर सामने आ रही है।
ये क्या है? हुसैन का परचम, हुसैन का परचम। इसलिए ये जो दाइश का परचम निकाला गया ये क्या था? ये तौहीद के बुनवान से शिर्क के नौकरों को तौहीद का लिबास पहनाकर इस हकीकी दीन के परचम के मुकाबले में खड़ा करना। आप उसका अंजाम देखो, उसके नतीजे देखो, पूरी दुनिया जुड़ी हुई, पूरी दुनिया लगी हुई। किस लिए? ताकि इस्लाम का चेहरा मस्क कर सके, इस्लाम का हकीकी चेहरा मस्क किया जाए। हकीकी चेहरा कहां से मिलता है? करबलाए हुसैन से, जहां पर जुर्रत भी है, अकल भी है, इस्तदलाल भी है, मानवीयत भी है और इंसान की फिक्री और रूहानी तमाम जरूरतें भी वहां पर मुहैया। उस मकतब के चेहरे को दादा कर ले। आप, मैं इस पर बहुत तफसील से अगर बात करना चाह रहा हूं, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि कम अज कम एक घंटे की गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि उसके तमाम पहलुओं को वाजह किया जा सके। वक्त नहीं, अब वक्त खत्म हो गया, तो इसलिए सिर्फ इशारतन मैं गुजर रहा हूं। लेकिन उसका नतीजा आपने देखा कि मगरबी दुनिया ने 7,000 ट्रिलियन डॉलर्स यूज किए, इस्तेमाल किया, और उनको जिल्लत और रुस्वाई के अलावा और दाइश की लाशें और उनकी लाशों का मलबा उठाने के अलावा कुछ नहीं मिला। ये अल्लाह की वो नुसरत है जिसकी तह में आपको करबला का पैगाम और करबला का खून नजर आता है। जिन लोगों ने दाइश के खिलाफ इस तरह के इकदाम किए वो कौन लोग थे? हमारे और आप ही की तरह के लोग, पाकिस्तान से भी कुछ लोग गए थे। आज तक उनके खानवादे जेरे अताब, सारी दुनिया कबूल करती है बज़ाहिर कि दाइश दीन दुश्मन भी है, इंसानियत दुश्मन भी है, जमहूरियत दुश्मन भी है, शिद्दत पसंद भी है, दहशतगर्द भी है, तमाम के तमाम इस तरह के अनामीन दाइश के लिए सब कबूल करते हैं, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक। लेकिन उसी दाइश को शिकस्त देने के लिए जब कोई जवान जाता है तो 8 साल 10 साल गुजरने के बावजूद उसको उठा लिया जाता है और उसका नाम और निशान भी लाए बोला नारा कुछ और, प्रैक्टिकल कुछ और। आपने दाइश के मुकाबले में जिन जवानों ने अफगानिस्तान से आकर, इराक से जाकर, लबनान से जाकर, यूरोप से जाकर, ईरान से जाकर, यमन से जाकर, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से मुकाबला किया एक परचम के साए में और दाइश को शिकस्त दी, वो तो होना ये चाहिए था कि पूरी दुनिया में वो हीरोज बनते। इसलिए कि उस इस आज की मासर दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द चेहरे को शिकस्त देने का सेहरा उनके सरा है, होना तो ये चाहिए। लेकिन आज भी उसके मुतासरीन मिसिंग की सूरत में पाकिस्तान में भी मौजूद है। कई खानवादे ऐसे हैं जिनके जवान इदारों ने गायब किए हुए हैं, रियासत के मुख्तलिफ शोबों ने उनको उठा लिया है, अब तक उनको छोड़ने का नाम नहीं लेते। जुर्म क्या है? कोई नहीं, पाकिस्तान में उन्होंने कानून तोड़ा है? नहीं। किसी को मारा है? नहीं। किसी के खिलाफ कोई काम किया है? नहीं। तो क्या किया? दाइश को मारा। दाइश को मारना जुर्म है? नहीं। फिर जवाब कोई, ये वो अंधेर निगरी है, अंधेर निगरी। नारा कुछ और अमल कुछ और। अब भी कराची में लोग बेचारे उन्हीं खानवादों के लोग कैंप में बैठे हुए हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारे उन गुमशुदा जवान हमें वापस करो। कई एक के वालदेन का इंतकाल हो चुका है, कई एक ऐसे हैं जिनके घर के बाकी लोग भी दुनिया से उठ चुके हैं, कई एक की माएँ उस इंतजार में ये दिन गुजार कर सिसक सिसक कर दुनिया से जा चुकी हैं। लेकिन जुर्म का निज़ाम ऐसा है जहां पर उनकी फरियादें सुनने वाला कोई नहीं है। अजीजा रहमान, करबला इन अकदार और वैल्यूज के हवाले से हमें शुऊर भी अता करता है और हौसला और हिम्मत भी। जब इंसान इस तरह की सूरतआल का शिकार होता है, हौसला नहीं आता, डरता नहीं है, बुजदिली का मुजाहरा नहीं करता,
सीना तानता है अगर मैं कहूं कि या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज फौजन अज़ीमा, और कहूं 61 हिजरी के शहादा के लिए 1500 साल पहले गुजरने वाले उन शहादा के लिए, अगर आज अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ जाए तो क्या करेंगे? मजलूम का साथ देंगे या जालिम के मुकाबले में आवाज बुलंद करेंगे? या तो आज अगर इमाम हुसैन वही काम करेंगे तो मुझे क्या काम करना चाहिए? अल्लाहुम्मा जअलनी महया महया मुहम्मद व आल मुहम्मद, बाइलाह मुझे वही हया जो तूने हुसैन इब्ने अली को और मोहम्मद और आल मोहम्मद को अता किए वही हयात मुझे अता कर। तो उस हयात का तकाजा क्या है? जुल्म के खिलाफ दर खोलना, व ममात मोहम्मद व आल मोहम्मद। उस ममात के तलब करने का मतलब क्या है कि मुझे भी उसी तरह से मौत मिले तेरी राह में लब खोलने के जुर्म में, तेरी राह में हक बोलने के जुर्म में, तेरी राह में मजलूम की हिमायत में आवाज़ें एहतजाज बुलंद करने के जुर्म में, तेरी राह में जालिम को ललकारने के जुर्म में अगर मौत मिलती है तो ये मौत ममात मोहम्मद व आल मोहम्मद वाली मौत है। और ज़ियारत आशुरा में आप यही दुआ करते हैं। अज़ीज़ाने मन, अज़ादाराने सैयदुल शुहदा, मुहर्रम की आज 5 तारीख, उमूमन पूरे पाकिस्तान में ऐसा है और आपके यहाँ भी रिवायत यही है कि 5वीं से आप अहलुल बैत करें सलाम के उन मासूम बेगुनाह मजलूम शुहदा की याद में उनके मसाइल सुनते हैं और रोते हैं। 5वीं को मुझे जैसे मस्जिद की इंतजामिया ने कहा था कि आज से अहलुल बैत में से खुसूसन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह के बच्चों के हवाले से गुफ्तगू, जरा सोचिए कौन ज़ैनब वो ज़ैनब जो गोहे इस्तक़ामत है अली की बेटी, वो ज़ैनब जो करबला से कूफा तक के सफर में आपके खुतबों के हर हर लफ्ज से अली की शुजात तक थी, वो ज़ैनब जिसके अंदर अली बोलते थे, वो ज़ैनब जिनका हर हर कदम ईसार कुर्बानी वफा और सरबुलंदी का एक बहुत बड़ा सहीफा, वो ज़ैनब शबे आशूर जब अपने दोनों बच्चों को लेकर खेमे में हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई तो आप सोचते होंगे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तो मदीना में रह गए थे, तो हजरत ज़ैनब कैसे इन दो बच्चों को लेकर आए? बाद मौरखी ने लिखा है कि जब हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शादी हो रही थी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर से, वहीं पर शर्त रखी गई थी कि जब करबला का सफर होगा तो फिर भाई और बहन साथ होंगे जुदा नहीं होंगे। क्यों? इसलिए ये जो सफर है करबला है इसका एक सफा हुसैन है तो दूसरा सफा ज़ैनब है, ज़ैनब के बगैर वो सफर सफर नहीं है, कामयाब नहीं है। इसलिए ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर की नुमाइंदगी में, जो वो खुद बूढ़े भी थे और ज़ईफ भी थे, आंखों का मसला भी था, तो इसी उनकी जगह अपनी कुर्बानी के तौर पर इन दो बच्चों को लेकर आएंगे, इन दो बच्चों, लिहाजा जब शबे आशूर इन दो बच्चों को करीब लाई है तो अपने सीने से लगा कर कहते हैं कि बच्चों कल आशूर है, कल शहादत का दफ्तर खुलना है, जब अहलुल बैत के जवानों की शहादत का वक्त शुरू हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी कमजोरी की वजह से ज़ैनब का सर मौला के सामने झुक जाए, ऐसा ना हो कि तुम कोई ऐसी कमजोरी दिखाओ कि मैं अपने भाई मौला हुसैन की निगाहों में छोटी हो जाऊं। बच्चों तुम्हारे अंदर भी है नरे कर्रात का होना है, तुमने इस तरह शहादत देनी है और इस तरह अपने आप को वली ये जमा हुसैन ए जमा पर
قربان کرنا ہے کہ تا قیامت ہر نوجوان کو یہ پتا چلے اون کیسا تھا اور محمد کیسا تھا، زینب کے دودھ سے پلے ہوئے بچے کیسے شجاع اور بہادر بچے تھے۔ زینب یوں بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور انہیں ذہنی طور پر تیار کرتی ہیں۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ جب بھائی کی بارگاہ میں یہ بچے آتے ہیں تو بھائی کو اجازت دیتے ہوئے حیا آتی ہے ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو ان کی ماں کے سامنے مقتل میں قتل ہونے اور ذبح ہونے کے لیے کیسے بھیجے۔ ایک بھائی کے لیے بہت سخت ہے یہ، بہت سخت۔ لیکن اس کے باوجود جب زینب آ کر کہتی ہے کہ مولا ان بچوں کو ضرور بھیجئے، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اپنا وفا اور اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، تو بچوں کو بھیج دیتی ہیں۔ لیکن جب بچوں کو زینب بھیجتی ہیں اور حسین ابن علی ان کے سروں پر امامہ رکھ کر ان کو سجا کر میدان کی طرف بھیجتے ہیں تو اس وقت ایک عجیب حسرت کی کیفیت حسین ابن علی کے چہرے پر نمایا کہ یہ بچے اتنے خوبصورت چاند سے بچے اب واپس صحیح سالم نہیں آئے گے۔ لیکن عجیب ہے، عجیب ہے، یہ نقطہ واقعی درد آور نقطہ ہے کہ پورے واقعے کربلا میں جتنے بھی نوجوان شہید ہوئے، جتنے بھی بڑے شہید ہوئے، جو محارم تھے ان محارم کی شہادت پر حسین سے پہلے زینب اس شہید کے سرحانے پہنچی ہیں، زینب اس شہید کے سرحانے پہنچی ہیں۔ اس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب علی اکبر کے سرحانے پہنچے تو دیکھا زینب پہلے سے پہنچی ہوئی ہے، وہ زینب سلام اللہ علیہا۔ لیکن آج جب یہ دونوں بچے یکے بعد دیگرے گئے اور جامع شہادت نوش کر کے زمین پر تشریف لائے، زمین پر آنے کے بعد آخری وقت میں مامو جان کو پکارا اور مولا جب پہنچے تو وہاں پر اکیلے ہی تھے، ماں نہیں تھی، اور جب ان بچوں کو لے کر خیموں کی طرف آ رہے تھے تو اب رسم یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ جس بھی شہید کا جنازہ آتا اس خانوادے کی تمام مخدرات دروازے پر آتی اور بڑے شوق سے اس شہید کے جنازے کو اپنے سینے سے لگا کر استقبال کرتی۔ جب حسین ابن علی ان دو بچوں کے جنازے لے کر خیموں تک آئے نا تو تاریخ لکھتی ہے کہ زینب کہیں نظر نہیں آئی، ساری مخدرات تھیں، بیویاں تھیں، لیکن زینب کہیں نہیں تھی۔ اگر پوچھیں گے نا بیوی آپ کیوں نہیں تھی تو فرمائیں گی میں کیسے اپنے بھائی کی نگاہوں میں شرمندگی دیکھتی کہ میری نگاہوں میں نگاہیں وہ نہ ڈال پاتے، اس لیے کہ میرے بچے شہید ہوئے ہیں۔ لہذا جب جنازے آئے تو زینب سلام اللہ علیہا دروازے پر نہیں آئی، وہ اندر ہی رہی۔ کربلا کا واقعہ گزر گیا، شام غریبہ میں زینب سلام اللہ علیہا نے وہ دیکھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا، وہ مظالم دیکھے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا ہی میں مر چکی ہوتی۔ کربلا کو حیات ملی ہے تو وہ زینب سے ملی ہے، وہ زینب جنہوں نے شب یازدہم شام غریبہ میں علی کے جوہر دکھائے اور بتایا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، وہی زینب جو کربلا سے کوفہ تک شجاعت کا پہاڑ بن کر کھڑی ہوئی، وہی زینب جو دربار کوفہ میں بھی اور دربار دمشق میں بھی حسین کی بہن بھی اور قافلہ سالار بھی اور علی کے کھنکتے لہجے میں علی کا خطبہ بیان کرنے والی بی بی بھی بن کر کھڑی رہی۔ جب یزید کی طرف سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے تو ایک خواہش کا اعلان ہوا، ایک خواہش کا اظہار، وہ کیا؟ ہمیں رونے کا موقع نہیں ملا، ہم نے رونا ہے، اپنے ہمارے شہدا کے سر ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اپنے شہدا کے سر کو گود میں لے کر رو سکیں۔ رونے کی اجازت مانگی جا رہی ہے، اجازت ملتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ سروں کو وارد کیا گیا قید خانے میں، فرش عزا بچھائی گئی، بیویاں اب رو رہی ہیں، شہدا کے سر ایک کے بعد دیگرے داخل کیے جا رہے ہیں،
ایک دفعہ حضرت عباس کا سر داخل ہوا، ایک بیوی آگے بڑھی، اس سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت علی اکبر کا سر داخل ہوا، ایک بیوی آگے بڑھی، اس سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت علی اصغر کا سر داخل کیا گیا، ایک بیوی آگے بڑھی، اس سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ ایک دفعہ اچانک دو سر ایک ساتھ داخل ہوئے۔ یہ جب دو سر ایک ساتھ داخل ہوئے تو دیکھا کوئی بی بی اٹھی نہیں ان سروں کو قبول کرنے کے لیے۔ جب کوئی نہیں اٹھی تو لانے والوں نے پوچھا کہ کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں آیا؟ تو ایک کونے سے آواز آئی کہ یہ سر زینب کے لخت جگر اونو محمد کے ہیں، لیکن زینب کو اپنے بچوں کا نہیں بلکہ اپنے مولا حسین کے سر کا انتظار ہے، کہ حسین کا سر آئے تو زینب اپنے سینے سے لگا کر رونا شروع۔